भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई के आगामी कार्यकर्ताओं को लेकर बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर भाजपा के जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह की अध्यक्षता में सकुशल संपन्न हुआ। इस दौरान भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने पर जन कल्याणकारी योजना और सुशासन को जन जन तक पहुंचाने, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को जागरूक करने के लिए बैठक में चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 8 वर्ष का सफल कार्यकाल पूरा हो रहा है, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। बीजेपी सरकार में सभी के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं ला रही है। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि सभी को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इस अवसर पर भाजपा के राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, पिपराय विधायक महेंद्र पाल सिंह, चोरी चौरा विधायक इंजीनियर श्रवण निषाद, खजनी विधायक श्री राम चौहान, राजा राम कन्नौजिया, चंचला शुक्ला, संजय सिंह, विनय कुमार सिंह, मीडिया प्रभारी के एम मझवार सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। लेकर के हमारे जिले के मंत्री, सभी बूथ अध्यक्ष, हमारे जितने सेक्टर के संयोजक, प्रभारी, जितने भी लोग थे, गांव का एक एक हमारा कार्यकर्ता एकदम जिस तरह से प्रधानी का चुनाव का जो मार्गदर्शन था, हम सबने उनके मार्गदर्शन में चुनाव लड़ा। और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर विश्वास है तो विश्वास किसमें होगा, जो काम करे। ये उन्हीं को भारी पड़ गया, ले जी पड़े। कोई बात करने के पहले आदमी को सोचना भी चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, बुलडोजर किसके ऊपर योगी जी चला रहे हैं, जो आतंकवादी। हाँ, नूरदीन चक संजाई में मुख्यमंत्री जी ने किया, वो तो बुलडोजर आपके टीवी पर चल रहे थे सब, जितने लगे इतने ज्यादा वहां पर ला करके सब खड़ा कर दिए थे कि हम सब देख रहे थे। उसमें तो जब हमने देखा कि भाई हमारे बच्चे का मैनेजर उसमें बैठा हुआ, तब हम पहचाने कि ये तो संजाई का जो है ये बुलडोजर सब दिखा रहे हैं, काफी समय तक चला। तो कहीं कहीं ये सारी बातें देखिए, जब आप कर्म करेंगे, जैसे आप एक कार्यकर्ता के रूप में, एक पदाधिकारी के रूप में, जैसा श्रवण जी ने कहा कि एक एक कार्यकर्ता पिपराई से लोग चौरी चौरा कर रहे थे लोग, लेकिन देखिए एक तो जनता मन बना चुकी थी कि हमें योगी और मोदी को लाना है, हमें फिर वही नहीं किसी गरीब के जमीन के ऊपर। आज कोई ऐसा नहीं है कि ये कह सकता है कि ये जमीन हमारी है। ये योग्य जो सुशासन, अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि सेवा सुशासन और गरीब कल्याणकारी, सुशासन जो योगी जी ने दिया उत्तर प्रदेश में, ये लोगों में, गरीबों में जो विश्वास उन्होंने जो पैदा किया, उस विश्वास, वही विश्वास कि फिर हमें वो दिन नहीं देखना है, हमें यही सरकार चाहिए। और सेवा भी लोग, आप लोगों ने भी सेवा किया, आपने देखिए कोरोना काल में आपने किस तरह से सेवा किया, और तो किसी पार्टी के लोग नहीं दिखाई दे रहे थे कोरोना कालखंड में, 2 साल में कोई कह नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हर क्षेत्र में सब लोग निकल करके सेवा किए हैं, तो सेवा के क्षेत्र में हर जगह भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी हमारे जितने भी पदाधिकारी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी, हिंदू वाहिनी, सभी जो जहां था वही सेवा भाव से लगा हुआ था। अरे आपके बदौलत, आप लोगों ने जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो योजनाबद्ध तरीके से जमीन पर जो उतारने का आप लोगों ने काम किया, तो ये सही है कि ये कहीं कहीं बस केवल अखिलेश जी का एक बयान आता है कि बस एकदम भ्रष्टाचार है, कहीं कोई सुशासन नहीं है, एक दो बातें यही डेली उनका पेपर में निकलता है। और पब्लिक है, पब्लिक सब जानता ही है कि आज कैसा सुशासन जी, हर उस पात्र व्यक्ति को जिसके पास बिजली नहीं है उसके घर तक निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिए गए, किसान सम्मान निधि की जो योजनाएं है वो सब तक पहुंची, आयुष्मान गोल्डन कार्ड की योजना, योजनाएं पहले भी तो कागज में योजनाएं बनती थी, धरातल पर नहीं उतरता था। आज योजनाएं जो केंद्र सरकार, आज जो प्रदेश सरकार को दे रही है, वो सारी योजनाएं हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ के कारण हम सब ने 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ जो जीत मिली है, आप सब बधाई के पात्र हैं। और आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का जो मार्गदर्शन, शीर्ष नेतृत्व को बैठाना जरूरी है। देखिए हिंदू सनातन धर्म जो किसी कालखंड में, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी कहते भी है कि ये जो आक्रांता आए थे हमारे ही मठ मंदिरों को तोड़ कर, आप देखिए वो कहता है कि वो कभी जो है ज्ञान बापी जो मस्जिद है वो हटेगी नहीं, जैसे है वैसे ही रहेगी। जब वहां शिव जी का, जब वहां शिवलिंग मिला है, अब इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। कार्यकाल ध्वनि से जरा आप लोग अभिनंदन कीजिए, ये पूछना चाहिए सभागार। कोई व्यक्ति केंद्र आवंटित होगा, कोई कोई बूथ तय होगा,
सभी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के सेवा के जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम है, काम है, इन योजनाओं को हम अमली जामा पहनाने में भी सफल होंगे। हमारा सीधा संपर्क बनेगा, संवाद बनेगा, राजनीति में बूथ पर जो भी विभिन्न प्रकार की जरूरतें हैं उन सबको पूरा करने की दिशा में आगे आने वाले दिनों में सार्थक पहल होगी। ये जो सप्ताह है वो कारगर सिद्ध हो, स्पष्ट करने के लिए लगे हुए थे और आज से ही रणनीति मोदी जी को अपदस्त करने की बना रहे हैं। इनके सारे मंसूबे हम अपने श्रेष्ठ कार्यों के आधार पर पूरी तरह से नष्ट नाबूद करेंगे, ध्वस्त करेंगे। पुनः प्रचंड बहुमत के साथ आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी योगी मोदी जी के नेतृत्व में पुनः पदासीन होगी, प्रचंड बहुमत के साथ आएगी, देश जो आगे बढ़ रहा है विभिन्न क्षेत्रों में और तीव्र गति से आगे बढ़ेगा, देश उन्नति कर रहा है और तीव्र गति से उन्नति करेगा, परम वैभव के शिखर पर जाएगा। यही आग्रह निवेदन करता हूँ अपनी बात को पूरी करता हूँ। हम लोगों के क्षेत्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, हमारे बीच में क्षेत्र के मंत्री आदरणीय श्री जनार्दन तिवारी जी, हमारे बीच में जिला के सम्मानित जिला अध्यक्ष परम आदरणीय श्री युधिष्ठिर सिंह जी, हमारे जिला के सम्मानित प्रभारी हम लोगों के बड़े भाई आदरणीय अजय श्री गौतम जी, हमारे बीच में खजनी के सम्मानित विधायक पूर्व मंत्री परम आदरणीय श्री श्री राम चौहान जी, पिपराइज के विधायक आदरणीय बड़े भाई आदरणीय महंत पाल सिंह जी, हमारे बीच में चोरी चोरा के विधायक इंजीनियर श्रवण निषाद जी, जिले के महामंत्री आदरणीय आर डी सिंह जी, सामने बैठे हुए सभी हमारे जिले के सम्मानित उपाध्यक्षगण, महामंत्रीगण, जिला के हमारे जो नगर पंचायत है सम्मानित हमारे अध्यक्षगण, सभी विधानसभाओं के हमारे मंडल के सम्मानित मंडल अध्यक्षगण, मैं सबको या मीडिया के हमारे साथी, अपने आईटी विभाग के साथी, मैं सभी को कोटि से नमन और प्रणाम करता हूं। सबका मैं आशीर्वाद लेते हुए अपने चंद शब्दों में अपनी बात को मैं रखूंगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे पिपराइज विधायक जी ने, खजनी विधायक जी ने बड़े विस्तार से चर्चा किया है, तो काम किया, बहुत सारे तरह तरह की विरोधी दल के तरफ से बातें आती थी, लेकिन उन्होंने एक मिसाल स्थापित किया। हम लोग तो तमाम इस देश के हर प्रदेशों में जाने का जो काम हो रहा है, हम लोग जो सुनने को मिल रहा है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज गोरखपुर से लेकर के पूरे प्रदेश में जो हम लोग यहाँ प्रदेश के अंदर जो स्थान पाया है, वो हम सब लोग गौरवान्वित हैं, इस क्षेत्र के लोग भी गौरवान्वित हैं और मंडलों के अध्यक्षगण, सजर्मा मंडल अध्यक्ष आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष श्री धर्मराज गौड़ जी, कोटवल मंडल अध्यक्ष श्री राम प्रकाश चौरसिया जी, महादेवा मंडल अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेंद्र सिंह जी, बेलघाट मंडल अध्यक्ष